रेव पार्टियों में सांप का जहर उपलब्ध कराने का आरोप ओटीटी बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर लगा है। इस केस में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज की है बल्कि 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में भी पेश किया और वहां से उन सभी 5ों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज भी दिया है। इन लोगों पर आरोप है कि पार्टियों में जहर सप्लाई करने के लिए एल्विश यादव मोटी रकम वसूलता था और ये लोग सांपों का जहर उपलब्ध करवाते थे। लेकिन इसी बीच एल्विश यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों और कुछ मीडिया चैनल्स के मुताबिक एल्विश यादव को राजस्थान के कोटा में रोका गया। इसके बाद कोटा पुलिस ने एल्विश यादव के संबंध में नोएडा पुलिस को जानकारी भी दी। हालांकि बाद में नोएडा पुलिस के कहने पर एल्विश की गाड़ी और उन्हें जाने दिया गया। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। चलिए आपको बताते हैं कि एल्विश यादव के साथ राजस्थान के कोटा में क्या कुछ हुआ। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है, ऐसे में पुलिस आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। तो शनिवार को कोटा ग्रामीण पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका था, इसमें एल्विश यादव भी मौजूद थे। पुलिस ने एल्विश के संबंध में नोएडा पुलिस से सीधे सीधे संपर्क साधा। बताया गया है कि नोएडा पुलिस के कहने पर ही कोटा पुलिस ने एल्विश की गाड़ी को आगे जाने दिया। कोटा ग्रामीण के सुके थाना अधिकारी विष्णु ने बताया है, विधानसभा चुनाव के चलते हुए रूटीन चेकिंग नाकाबंदी के दौरान पंजाब नंबर की गाड़ी को रोका गया था। उसमें 3 से 4 लोग सवार थे। पूछताछ में एक ने अपना नाम एल्विश यादव बताया था। हमें पता चला कि एल्विश यादव का नोएडा में एक प्रकरण में केस दर्ज है। नोएडा के संबंधित थाने DCP और SCP से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो यानी कि एल्विश यादव अभी वांटेड नहीं है, अभी जांच चल रही है, उसके बाद हमने उनको छोड़ दिया। ये कहना है कोटा पुलिस का। जानकारी के मुताबिक फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव काफी मुश्किलों में इन दिनों फंसे हुए हैं। नोएडा पुलिस ने दरअसल रेप पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल को लेकर इनके खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें एल्विश यादव का भी बिल्कुल सीधे तौर पर नाम है और ये पूरी कार्रवाई महज कुछ घंटों या एक दिन में नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक एक NGO ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसके बाद एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर तैनात गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। इसमें एल्विश का नाम भी है। बतौर गौरव गुप्ता ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों की सूचना उन्हें लगातार मिल रही थी। ये भी पता चला था कि यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा NCR के फार्म हाउस में कुछ लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट भी कराते हैं। इसके साथ ही गैर कानूनी तौर से रेव पार्टियों को आयोजित कराने की भी जानकारी उन्हें मिली थी। इसके बाद ही एल्विश यादव के खिलाफ और उनके अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में हालांकि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एल्विश यादव अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।